भांडिया गांव में फर्जी अल्ट्राटेक सीमेंट पैकिंग की फैक्ट्री पकड़ी, दो गिरफ्तार। धौलपुर मुनिया की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा को 21 फरवरी को संजय शर्मा अल्ट्राटेक कंपनी गुड़गांव हरियाणा से अवगत कराया है कि भांडिया गांव थाना मनिया में दूसरी कंपनियों के खराब सीमेंट को सस्ती दर में खरीदकर उसे अल्ट्राटेक सीमेंट के फर्जी प्रिंट कराए गए सीमेंट बैग में भरकर ऊंचे दामों पर बाजार में बेच रहे हैं, जिससे कंपनी की साख पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है व घटिया निर्माण कार्य होने से आमजन की जान को भी खतरा है। एसपी मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी मनिया दीपक खंडेलवाल को एक टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर थानाधिकारी मनिया सुमन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई तथा चिन्हित स्थान पर दबिश दी गई। तो मानसिंह के मकान के पीछे एक टीन शेड में बाड़े बंदी कर एक फैक्ट्री मिली, जिसमें मानसिंह ठाकुर निवासी भांडिया 5-6 मजदूरों से बांगड़ सीमेंट के खराब सीमेंट को छलनी से छानकर फिलिंग करने वाली कीप एवं तौल करने वाला कांटा आदि के जरिए अल्ट्राटेक कंपनी के सीमेंट बैग तैयार करता हुआ मौके पर पकड़ा गया। फैक्ट्री से 245 अल्ट्राटेक कंपनी के भरे हुए नकली सीमेंट बैग, 229 अल्ट्राटेक सीमेंट के खाली बैग सहित नकली सीमेंट बनाने के उपकरण जब्त किए गए। प्रकरण दर्ज कर मुख्य मुलजिम रविंद्र उर्फ भोले पुत्र गीतम सिंह ठाकुर निवासी भांडिया थाना मनिया जिला धौलपुर एवं मानसिंह पुत्र प्रेम सिंह ठाकुर निवासी भांडिया थाना मनिया को मौके से गिरफ्तार किया। आगे अनुसंधान जारी। अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक गिरफ्तार, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के निर्देशन में संपूर्ण जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है, जिसके अंतर्गत कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि घंटाघर रोड पर एक व्यक्ति सिर पर रखकर प्लास्टिक के कट्टे में अवैध गांजा लेकर पैदल आ रहा है, जिसे नाकाबंदी कर पुलिस पार्टी के साथ थाना कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार मुलजिम सलीम पुत्र दिलावर खान मुसलमान निवासी नौगजा पुराना शहर थाना कोतवाली धौलपुर की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के कट्टे में 4 किलो 700 ग्राम मादक पदार्थ अवैध गांजा बरामद किया गया। कस्बा में उठाईगिरी करने वाला महिलाओं का गिरोह सक्रिय, बड़ी की प्रमुख खबर। कहार गली के पास एक ग्राहक ने अपना सामान मोटरसाइकिल में रखा, थोड़ी नजर हटते ही दो महिलाओं ने मोटरसाइकिल को घेर लिया और उसमें से सोने के कीमती सामान को निकाल लिया। सामान के मालिक की नजर पड़ गई, उसने महिला के हाथ में अपना सामान देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया। महिला ने सामान वहीं जमीन पर गिरा दिया। वहां मुख्य बाजार होने के कारण लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने आकर उन दोनों महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। विदित हो के आए दिन बाड़ी कस्बा में उठाई गिरी और चोरी की वारदातें भरे बाजार में हो रही हैं। इस तरह की वारदातों को रोकने में लोगों की खुद की सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण होती है। लगभग 2.5 लाख के सोने के सामान को आज ये महिलाएं उड़ाकर ले जाती अगर उसके मालिक की पैनी नजर वहां नहीं होती। अतः कस्बा निवासी आम आदमी को इस तरह की वारदातों से बचने के लिए स्वयं को सावधान होने की आवश्यकता है। फिलहाल कोतवाल बाड़ी ने दोनों महिलाओं का नाम एवं निवास स्थान बताने से इनकार किया है। उनका कहना है कि प्रकरण दर्ज होने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी, अभी तक किसी ने प्रकरण दर्ज नहीं करवाया। हेमरी कृषि महाविद्यालय की छात्रा की मौत के बाद मचा बवाल, सैंपो की प्रमुख खबर। विद्यार्थियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज दूसरे दिन भी कॉलेज में छात्र छात्राओं का धरना जारी रहा। विद्यार्थियों की ओर से कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी धरना देकर साथी छात्रा मोनिका की मौत के बाद न्याय की मांग कर रहे हैं। बसेड़ी के खेमरी में बीते 3 वर्षों से संचालित कृषि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज में चिकित्सा तथा आपातकालीन अन्य सुविधा नहीं होने के कारण उनकी साथी छात्रा मोनिका, जो कि कॉलेज में तृतीय वर्ष में अध्ययनरत थी, अचानक तबीयत खराब होने के बाद उसको समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण छात्रा की मौत हो गई। विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज में चिकित्सा बस, महिला वार्डन, महिला शिक्षिका आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। कॉलेज में लगातार धरना प्रदर्शन को लेकर विश्वविद्यालय के बीसी की ओर से कॉलेज के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह को तत्काल हटाकर नए डीन डॉक्टर धनराज शर्मा को चार्ज देने के आदेश दिए हैं।
सुबह जैसे ही नए डीन डॉक्टर धनराज शर्मा कॉलेज में पहुंचे तो आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज में नहीं घुसने दिया। कॉलेज में अध्ययनरत फर्स्ट ईयर तथा थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का आज सोशल साइंस व कीट विज्ञान विषय का पेपर भी होना था। सभी विद्यार्थी परीक्षाओं का बहिष्कार करते हुए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सैंपल से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। हाँ बताएं, अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है कॉलेज में, आपको बताएं। सर हमारा धरना प्रदर्शन दो दिन से चल रहा है, विषय हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारी मांगे हैं तो अभी तक पूरी नहीं हुई, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ बताएं क्या कार्यक्रम है। अभी जो भी हमारे पीछे जो सब कुछ चल रहा है उसमें हमारे जो सीनियर थे उनकी वो हमारे बीच में आज नहीं रहे, उनके जो यहाँ न रहने का जो कारण हुआ है वो एक ही रहेगा, यहाँ की सुविधाओं के अभाव में जो यहाँ पे आज जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो यहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जैसे कि कॉलेज में सबसे पहले एक महिला स्टाफ का होना बहुत जरूरी है, वहाँ पे हम लोग जब से आए हैं हम देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है क्या कि एक लड़की अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो करे किससे, तो इन सब के लिए और ना यहाँ पे कोई हॉस्टल फैसिलिटीज है, तो इन सब के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी चीजें हैं वो जायज हैं, तो हम चाहते हैं हमारे वीसी सर है वो यहाँ पे आए हमसे रूबरू हो और आके हमसे उनको हमें बताए कि हाँ ऐसा सब कुछ होना, जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले। हाँ बताओ क्या समझ। धौलपुर मैं कविता मीणा पार्ट थर्ड ईयर की छात्र हूँ और हम यहाँ से 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे असुविधाओं का इतना अभाव है कि ना तो स्टाफ है पूरा ना ही कोई सुविधाएं हैं, और यहाँ पे एम्बुलेंस की और इसकी वजह से मतलब कोई सुविधा नहीं है। इसकी वजह से हमारे साथ पढ़ने वाली मोनिका लटियाल जो आज इन असुविधाओं की वजह से वो हमारे साथ नहीं है, और हम चाहते हैं कि इसके जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ की मांगे पूरी करें, हम चाहते हैं हमारी मांग पूरी की जाए जल्दी से जल्दी। थैंक यू। दो बाइकों में भिड़ंत होने से घायल हुए 3 लोगों को पुलिस ने पहुंचाया हॉस्पिटल। सैंपो की प्रमुख खबर। कस्बा के भरतपुर मार्ग पर स्थित राजपूताना ढाबा के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस के द्वारा घायल हुए 3 लोगों को राजकीय अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार तसीमो निवासी सचिन पुत्र योगेंद्र नाई राजौरा गांव की तरफ से आ रहा था, तभी सामने से रामप्रकाश पुत्र रामवीर सिंह कुशवा निवासी नरपुरा तथा उसका एक साथी संतोषी पुत्र बीरवल कुशवा बाइक पर सवार होकर आ रहे थे, तभी दोनों की बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद राहगीरों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और लोगों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस की गाड़ी से ASI फतेह सिंह तथा हेड कांस्टेबल रामनाथ सिंह के द्वारा 3 घायलों को सैंपू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 को प्राथमिक उपचार करते हुए डॉक्टर मनीष शर्मा तथा चिकित्सा कर्मी संजय तिवारी के द्वारा सचिन की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सैंपू से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। खेत में खड़ी फसल चराने के विवाद पर झगड़ा एवं बकरी की मौत, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। क्षेत्र की सिकरौंदा पंचायत के गांव छीतापुरा में गेहूं की फसल को चराने के ऊपर झगड़ा हो गया एवं बकरी की हुई मौत। मलौदा पत्नी जयपाल निषाद निवासी छीतापुरा ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि राजू मनोज शारदा कैला देवी अंजलि आदि लोग अपनी बकरियों से हमारी गेहूं की फसल को चरा रहे थे। थाने में दी तहरीर पर ASI दीनदयाल मौके पर पहुंचे, समझा बुझाकर वापस आए। वापस आने के बाद दोनों पक्षों में फिर झगड़ा हो गया। मलोदा ने बताया कि नामजद लोगों ने मेरी व मेरे पुत्र अजय पति जयपाल की मारपीट की, जिसके कारण शरीर में चोटें आई हैं। दरवाजे पर बंधी बकरी के बल्ला मारा, जिसके कारण उसकी तुरंत ही मौके पर ही मौत हो गई। मलोदा जयपाल एवं अजय 3 मृत बकरी को लेकर थाना राजाखेड़ा में आए, जहां उन्होंने एक तहरीर थाना राजाखेड़ा को दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदनिया की रिपोर्ट। जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित, धौलपुर की प्रमुख खबर। गत दिवस जिला ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन धौलपुर द्वारा जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि किशन चंद शर्मा पूर्व जिला प्रमुख धौलपुर, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी हरि निवास शर्मा एवं अध्यक्षता टाइगर मार्शल आर्ट्स संस्थान के अध्यक्ष समाज सेवी शिव शंकर गर्ग रहे। सभी अतिथियों का आयोजन सचिव देवी प्रसाद एवं विकास बघेला द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अंत में जिला कराटे संघ के अध्यक्ष द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में सीनियर जूनियर सब जूनियर बालक बालिका का चयन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि किशन चंद शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि श्रीनिवास शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को अपनी तरफ से किट देंगे। जिला ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन के महासचिव माता प्रसाद टाइगर द्वारा सभी अतिथियों का बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
संस्थान के सचिव शिवशंकर गर्ग द्वारा बच्चों को मिठाई वितरित की गई एवं सभी अतिथियों द्वारा विजयी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए एवं माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया गया। संचालन जिला ओलंपिक संघ के कार्यकारी सचिव हरिमोहन शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्लब की सीनियर खिलाड़ी विनीता शर्मा, लक्ष्य गुर्जर, अरुणा शर्मा, तनु चौहान, निधि चौहान एवं बच्चों के अभिभावक काफी संख्या में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 157 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हमारे टाइगर साहब, इन्होंने सबसे पहले मैं इनको जो मेरा स्वागत किया, जो मेरा सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को मेरा प्यार। बस इस कड़ी में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज मैंने पहली बार इस दौलपुर में जो इस कमांडो का वो देखा, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वाकई में टाइगर साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया। बड़े भाई की बंधन संबंधी प्रवीण साहब, टाइगर साहब जी, अंजय जी और सभी उपस्थित बंधुगण, बच्चे, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे धौलपुर जिले के लिए, धौलपुर जिला ही नहीं पूरे राजस्थान में टाइगर साहब ने जो मार्शल आर्ट का नाम किया हुआ है, ये हमारे लिए, धौलपुर वासियों के लिए, बच्चों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पुस्तक ब्रज प्रदेश की लोक कथाएं का लोकार्पण जिला कलेक्टर ने किया। धौलपुर की प्रमुख खबर, डॉक्टर दिनकर की पुस्तक ब्रज प्रदेश की लोक कथाएं का जिला कलेक्टर राकेश कुमार के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। विद्वान लेखक ने इसमें आल्हा झोला, जाहरवीर, गोपीचंद, राजा भरथरी, भक्त पूरनमल, हरदौल, सुदामा चरित, भक्त प्रहलाद, नरसी भात, सत्य हरिश्चंद, हीर रांझा, श्रवण कुमार आदि की लोक गाथा है। भरतपुर, करौली, मुरैना आदि जनपदों के स्थानीय लोक देवताओं के जीवन चरित्र पर आधारित बाबू महाराज, बाबा हीरामणि, बगरावत, नवलदे लोक कथाओं का तो साहित्य में पहली बार अध्ययन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने लेखक को बधाई देते हुए उनके इस गुरुत्वर कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से आज तक लोक कथगाथाएं समाज में शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान और मनोरंजन की त्रिवेणी प्रवाहमान करती हैं। लेखक डॉक्टर ठाकुरदास दिनकर हरियाणा सरकार से 2014 में एसोसिएट प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर दिनकर को अनेक राज्य स्तरीय पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं। वर्तमान में डॉक्टर दिनकर श्रीमद् भागवत और श्री रामकथा के सरस प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। कार्यक्रम में पंडित वेद व्यास सोहावाले, साहित्य मनीष पुरुषोत्तम शर्मा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सुरेंद्र सिंह सिकरवार और भागवताचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित। चिकित्सकों की कार्यशाला आयोजित, धौलपुर की प्रमुख खबर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में मंगलवार को भार्गव वाटिका में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मिशन जीवन रक्षक में जिले में अध्ययनरत बालिकाओं को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक चिकित्सकों की कार्यशाला आयोजित की गई। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेत्रा मीणा ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए मिशन जीवन रक्षक के माध्यम से प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविरों में बच्चों को सिखाने के लिए चिकित्सकों की कार्यशाला से काफी मदद मिलेगी। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल, अस्थि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर सिंह दुबे, निश्चेतन विशेषज्ञ डॉक्टर थान सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, डॉक्टर रघुवीर भ्रगु ने सैद्धांतिक एवं डमी पर प्रभावी ढंग से जिले के 30 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष श्रोहिल सरीन, विमल भार्गव, नरेंद्र तोमर, पंकज शुक्ल, चंद्रमोहन शर्मा आदि उपस्थित रहे। बेटियों के लिए मिशन जीवन रक्षक का कल होगा शुभारंभ, धौलपुर की प्रमुख खबर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिले में नवाचार करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में प्राथमिक उपचार हेतु प्रशिक्षण के संबंध में मिशन जीवन रक्षक की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ 23 फरवरी को राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय राधा बिहारी धौलपुर से किया जाएगा। इसके उपरांत
उक्त कार्यक्रम को संपूर्ण जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा तथा नोडल एजेंसी महिला अधिकारिता विभाग रहेगा। इस दिशा में आज दिनांक 22 फरवरी को भार्गव वाटिका में दक्ष प्रशिक्षकों का आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय बाल सुरक्षा समिति सदस्यों का बाल अधिकार बाल संरक्षण हेतु भूमिका एवं जिम्मेदारी पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ उपखंड अधिकारी देवी सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंघल, स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा तथा प्रयत्न संस्था की परियोजना अधिकारी रजनी जैन आदि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी देवी सिंह एवं विकास अधिकारी राकेश सिंघल ने कहा, ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसका गठन कर उनके अधिकारों की सुरक्षा का सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी सक्रियता से करें और मासिक बैठक कर इसकी समीक्षा करें। कार्यशाला का संचालन स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी रजनी जैन ने बाल अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। संस्था के जुलूस खान ने प्रोजेक्ट द्वारा शॉर्ट फिल्म दिखाई। इस अवसर पर प्रयत्न संस्था के ब्रजेश कुमार, उषा देवी, चरण सिंह, आरपी, दिनेश शुक्ला, सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद शर्मा, कुडिला हजारी सिंह, रवि निषाद, ब्रजमोहन लोकेंद्र, ग्राम विकास अधिकारी हीरा चौधरी, राधेश्याम, योगेंद्र, विजयपाल, जेठाराम, राजकुमार, देवेंद्र, अतेंद्र ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।